हेलो दोस्तों, जय बाबेरी। गुड मॉर्निंग। आज हम बना रहे हैं फलिया और बड़ियों की राजस्थानी सब्जी। तो आप मेरी रेसिपी देखना और आपको बहुत अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू दोस्तों, आप मेरी बनाई हुई रेसिपी जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, हमने इस साइड गर्म पानी चढ़ा दिया है और इस साइड कढ़ाई चढ़ा दी है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी बड़ियों और फलियों की सब्जी। ये हमने बघार के लिए मिर्ची ले ली है, बढ़िया है, फलिया है और पीसा हुआ लहसुन है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालते हैं। ये हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इस साइड हमारा पानी बॉईल हो गया है तो इसमें हम बढ़िया डालेंगे। ये हमने बढ़िया डाल दिया बॉईल होने के लिए। अब हम मसाला बनाते हैं। तो हमने पीसा हुआ लहसुन लिया, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच जितनी और धनिया डालेंगे। और हल्दी डालेंगे। ये हमारा मसाला एकदम तैयार है। बॉईल आ गया है बड़ियों में और हमारी बढ़िया एकदम नरम हो गई है। ये घर पे बनाई थी हमने बढ़िया वो है। इस साइड तेल भी आ गया है तो इसमें हम बघार दे देते हैं। बघार आ गया है हमारे मिर्ची का। फलियों को हम अब थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये राजस्थान में बहुत ज्यादा बनाई जाती है सब्जी और बहुत टेस्टी बनती है। ज्यादातर लोग इसे आका तीज पे बनाते हैं पर हम तो सर्दियों में बनाते हैं। हमारी फलिया एकदम फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम लहसुन का मसाला डालेंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। हमारा लहसुन एकदम पकेगा और तेल छोड़ने लगेगा, फिर हम इसमें बढ़िया डालेंगे। हमारे लहसुन का मसाला एकदम अच्छी तरह पक गया है। तेल भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम बॉईल की है वो बढ़िया डालेंगे। सब बढ़िया डाल देंगे। ये हमारी फलिया और बढ़िया हमने मिक्स कर दी है और इसमें हमने ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दिया है। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। देसी स्वाद और देसी खाना।
ये हमारी बढ़िया और फलियों की सब्जी शानदार तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये सब्जी बहुत शानदार बनी है और हमारे बच्चे खा रहे हैं। अब आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू दोस्तों।